राम राम। व्हाट्सएप पे एक बहुत ही सुंदर संदेश आया, ये संदेश आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये संदेश है अंतर का। कुछ भी कर लीजिए, अंतर तो रह ही जाता है। जैसे बचपन में हम लोग जब ट्रेन की यात्रा करते थे तो देखते थे कि माँ साथ में ही टिफिन में खाना बनाकर रख लेती है। रास्ते में हम देखते थे कि ट्रेन में कुछ अमीर लोग ट्रेन की कैंटीन से खाना ऑर्डर करते हैं। हम पिताजी से पूछते थे कि हम ये खाना क्यों नहीं खा सकते। पिताजी समझाते, बेटा ये खाना बहुत महंगा है, हम लोग नहीं मंगा सकते, वो अमीर लोग हैं, उन्हें खाने दो। और आज जब हम देखते हैं कि हम भी वो खाना मंगा कर खा सकते हैं, तब वो अमीर लोग अपने घर से खाना लेकर आते हैं सेहत की खातिर। आखिर अंतर तो रह ही गया। बचपन में हम लोग हमेशा सूती कपड़े पहनते थे और देखते थे कि हमारे कुछ अमीर दोस्त टेरेलिन के और सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। हम भी पिताजी से कहते कि हमारा भी मन होता है कभी कभी टेरेलिन के कपड़े पहनने का, लेकिन पिताजी कहते कि वो कपड़े बहुत महंगे हैं, हम नहीं खरीद सकते। और आज हम टेरेलिन के कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं और अब अमीर लोग सूती कपड़े पहनते हैं। फर्क तो रह ही गया, अंतर तो रह ही जाता है। बचपन में अगर कोई कपड़ा फट जाता था तो माँ उसे बड़े सलीके से सिल देती थी, या फिर पिताजी लॉन्ड्री से रफू करवा लाते थे और हम उसे खुशी खुशी पहनते थे। बस फर्क यही था कि हम उस रफू वाले हिस्से को छुपा छुपा कर पहनते थे। लेकिन आज अमीर लोग फटे हुए कपड़े बाजार से महंगे दामों में खरीदते हैं और हमें इतने कपड़े हो गए हैं कि फटे हुए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं बची। आखिर अंतर तो अब भी रह गया। जब हम छोटे थे तो साइकिल बड़ी मुश्किल से खरीदी थी और वो अमीर लोग स्कूटर पर स्कूल कॉलेज जाते थे। जब हमने स्कूटर ले ली तो उन्होंने कार ले ली। जब हमने भी कार ले ली तो उन्होंने बड़ी कार ले ली। अब हम भी बड़ी कार लेने लायक हो गए हैं तो वो अमीर लोग साइकिल चलाने लगे हैं। अंतर तो अब भी रह गया। बचपन में माँ अक्सर ज्वार की रोटी बना लेती थी और अमीर लोग हमेशा गेहूं की रोटी टिफिन में लाते थे। हम भी माँ को कहते, माँ रोज गेहूं की रोटी बनाया करो ना, लेकिन माँ कहती गेहूं महंगा है। और आज हम गेहूं की रोटी खा सकते हैं और वही अमीर लोग सेहत की खातिर ज्वार और बाजरे की रोटी खा रहे हैं। अंतर तो फिर भी रह गया ना। कभी भी दो व्यक्ति और परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखें। कहीं ऐसा ना हो कि इस अंतर को पाटने में, दूसरों की तुलना करने में आप अपना वर्तमान भी खो दें और अपना भविष्य भी खो दें। अंतर तो सतत है, सनातन है और अंतर सर्वदा रहेगा। इसलिए जो है उसी में खुश रहना सीखें, क्योंकि खुशी